हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू के पराठे की रेसिपी। यह बच्चे में बड़ों को सबको ही बहुत पसंद आता है। मैंने यहाँ पर कुछ बॉइल्ड आलू ले लिए हैं। हम इन्हें एक पोटैटो मैशर की मदद से मैश करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर सारे पटाटो अच्छे से मैश कर लिए हैं। अब मम्मी ने थोड़ा कढ़ाई में करके इनको अच्छे से भून लेंगे ताकि इनके एक अच्छे से फिलिंग बन जाए। मैंने यहाँ पर गैस पर एक कढ़ाई रखी है। मेरी कढ़ाई यहाँ पर अब गर्म हो गई है। अब मैं इसमें से थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल दूंगी। मैं इस रिफाइंड ऑयल को दोबारा से रीयूज कर रही हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दूंगी। देखिए, जीरा भी अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसमें सारे आलू आलू की पिट्ठी इसमें से अच्छे से डाल दूंगी। मैंने यहाँ पर जितने भी पटेटो मैश किए थे, मैंने सारे के सारे इस कढ़ाई में डाल दिए हैं। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर एक चम्मच से थोड़ा और नमक ऐड कर रही हूँ, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च, मैं थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च भी इसमें ऐड कर लिए। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसे भून लीजिएगा। इस तरह से पराठे बनाने पर बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। एक बार इस रेसिपी को ट्राई कर जरूर देखिएगा। और प्लीज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वह मेरे वीडियो पर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये आलू के पराठे की रेसिपी कैसी लगी। देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो गई है। जब तक हमारी आलू की फिलिंग तैयार हो, तब तक हम आटे का डो तैयार कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ये आटा ले लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे ताकि फिलिंग में तो थोड़ा नमकीन फील हो ही, बाहर से भी थोड़ा आटा नमक का ही लगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इस डो को अच्छे से तैयार कर लेंगे। देखिए, हमारे आलू की पिट्ठी भी अच्छे से भुज गई है। अब हम इसको एक प्लेट में तलकर ठंडा कर लेंगे। देखिए, हमने अपनी आलू की पिट्ठी अच्छे से ये प्लेट में कर ली है। अब हम इसको थोड़ा फैन के नीचे करके ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने से यह होगा कि आपका पराठा बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट बनेगा, कोई फटेगा नहीं, इसलिए इसे ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, हमारी आलू की फिलिंग अच्छे से ठंडी हो गई है और हमारा आटा भी अच्छे से तैयार हो गया। अब हम छोटी छोटी लोइयाँ तोड़कर इन ये फिलिंग्स आटे में भर। मैंने गैस पर तवा रख लिया है। इतना ही तवा गर्म हो, इतना हम फिलिंग भरते। हमने इस तरह से आटे की लोई बना ली और सूखे आटे में करके हम इसको थोड़ा सा बेल लेंगे। ये देखिए, हमने आटे की लोई को इस तरह से थोड़ा सा बड़ा कर लिया और हम इसमें थोड़ी सी थोड़ा थोड़ा करके इसमें फिलिंग ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसमें चीज भी डाल सकते हैं। इस तरह से कर करके इसे सारे को अच्छे से बंद कर लीजिएगा। ये देखिए, हमारा अच्छे से ये बंद हो गई है। अब हम इसे थोड़ा सूखे आटे में कर बेल लेंगे। अब हमारा तवा भी गर्म हो गया है। अब हम इसको इस तरह पे डाल लेंगे और इसी तरह से हम कर लोइया बना बना कर और भी पराठे जितने हमें ज़रूरत है हम उतने बना लें। देखिए, इस तरह से हमने दूसरे आटे की फिलिंग को भी अच्छे से बंद कर लिया और हम इसी तरह से कर करके इसको कम्प्लीटली पूरे को बंद कर देंगे। और तक हमारा ये
पराठा भी अच्छे से हो जाएगा। आप अगर इस पे रिफाइंड ऑयल लगाना चाहें रिफाइंड ऑयल लगा लीजिएगा, घी लगाना चाहें घी लगा लीजिएगा, चाहे आप इस पे बटर भी लगा सकते हैं, आपको जो पसंद हो आप इसमें वो लगाकर इसको अच्छे से सेक लीजिएगा। देखिए तैयार है हमारे आलू के पराठे की रेसिपी। आप चाहे जैसे मलाई दही किसी भी चीज़ से, जिस चीज़ से आप खाना चाहें उसी चीज़ से इसे सर्व करके खा सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।